को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये मतलब आ गया, मतलब आपने देखा कि एक जंपर, क्योंकि आज सबको डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, कोई भी स्टोमेटिक डायग्राम फाइंड नहीं करना चाहता है, तो ये जो हमने फाइंड किया है ये भी हम हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं, और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर के आया हूँ। तो मैं आज आपको यहाँ पे बता दूँ कि ये जो फ़ोन है ये हमारा Redmi का 6A फ़ोन है। फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा Redmi का ये 6A फ़ोन है, जो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। ये फ़ोन सारी चीज़ें हमने यहाँ पे इसको डायग्नोस करके रखा है, मैं यहाँ पे फुल एक्सप्लेन दूंगा और विद प्रैक्टिकली के साथ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि हमें यहाँ पे क्या करना है और क्या इसका सलूशन है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए हम इसे DC से ऑन करके देखेंगे और सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करके दिखाने वाले हैं फ्रेंड। तो इसको हम DC से कनेक्ट करते हैं, आपको यहाँ पे DC मशीन है और यहाँ पे मैं इसको DC से कनेक्ट करूँगा, क्योंकि एक फ़ोन बंद था, बंद में ये चालू हो रहा है। अब बैटरी में लगाऊंगा और स्विच को दबाऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए मैं DC से इसको ऑन करने वाला हूँ और आपको दिखाऊंगा फ़ोन हमारा ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है फ्रेंड। और उसके बाद देखूंगा इसमें जो प्रॉब्लम है, मैं आपको बता दूँ इसमें जो प्रॉब्लम है, इसमें ग्राफिक्स नहीं आ रही है, इसमें ग्राफिक्स और लाइट नहीं आ रही है। तो जाहिर सी बात है हमें लाइनों की सप्लाई होना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको पहले DC से कनेक्ट करता हूँ, फिर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देख सकते हैं पावर बटन प्रेस करी, तो ये पावर बटन प्रेस कर रहे हैं फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बूट हो रहा है फ़ोन, और ये प्रॉपरली तरीके से ऑन होगा। छोड़ दीजिए पावर की, तो ये फ़ोन प्रॉपरली तरीके से ऑन हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है। तो ये BSI का इसको यहाँ पे नीचे वाला, नीचे नीचे सबसे नीचे करेंगे फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं पावर की प्रेस कर रहे हैं, फ़ोन हमारा हो रहा है, बट चलिए इसमें से नहीं हो रहा है। मैं इसके कनेक्टर्स को लगा दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ पे बैटरी को भी लगा दे रहा हूँ। अब इसको फ़ोन को मैं ऑन करूँगा, ये फ़ोन हमारा वाइब्रेट हुआ है फ्रेंड्स। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा पर मुझे यहाँ पे वाइब्रेट हुआ है, मैं यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि लोगो दिख जाए, बट लोगो भी नहीं दिखता है फ्रेंड। तो हम इसकी सारे सोल्यूशन पर काम करेंगे। तो मतलब ये हमारा फ़ोन ब्लिंक, मतलब हमें वाइब्रेट तो हुआ है, फ़ोन तो हमारा ऑन हुआ है। तो चलिए हम इसके डिस्प्ले कनेक्टर पे जा करके आपको सारी पिनों को यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं कि यहाँ पे क्या कर सकते हैं। तो चलिए मैं डायग्नोस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये डायग्नोस हमने सेट को कर लिया है, तो इसका स्टेमेटिक डायग्राम से बहुत फाइंड आउट आप कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा फ्रेंड्स, जूम करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो इसकी तीन नंबर वाली पिन है फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा और जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये जो यहाँ पर तीन नंबर की पिन है आपको दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर ट्विजर से टच करूँगा, अभी ट्विजर से टच करूंगा और आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड तीन नंबर की पिन है, 1, 2, 3, ये तीन नंबर की पिन मिसिंग है। तो इसमें मैं आपको रीडिंग चेक करके दिखाता हूँ, आप मल्टीमीटर को तीन नंबर वाली पिन पे मैं रीडिंग आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो एक सिरा रेड वाले प्रूफ को मैं ग्राउंड कर दूंगा, ये मल्टीमीटर दिख रहा है जी। तो चलो मैं तीन नंबर वाली पिन आप लोग भी देखना, रीडिंग में चेक कर रहा हूँ तीसरी नंबर वाली पिन पे, ठीक है, दिखाई दे रहा है कोई रीडिंग आ रही है क्या? नहीं सर। मतलब एक हमारी V प्लस होती है, एक V माइनस होती है, मतलब वोल्टेज प्लस और वोल्टेज माइनस। तो हमारी जो ये माइनस वाली प्लस वाली है, ये हमारी प्लस वाली लाइन है, आपको स्टेमेटिक डायग्राम में और फाइंड हो जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टच किया हुआ है और यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँगा कि कोई स्टेमेटिक डायग्राम नहीं, कुछ भी नहीं, इसका एक डायरेक्ट सोल्यूशन बताना चाहूँगा कि आप स्टेमेटिक डायग्राम फाइंड करते तो वहाँ पर आपका सोल्यूशन मिल जाता। तो इसका जो प्लस फाइव वोल्टेज है वो आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको देखना चाहूँगा डायरेक्ट सोल्यूशन, मैं आपको बता दूंगा, आप स्टेमेटिक डायग्राम खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब ये हमारी कहीं ना कहीं ये लाइन मिसिंग है कि नहीं है, हमारी ये तीसरी वाली लाइन कहीं ना कहीं मिसिंग है। तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड आउट हमने क्या किया, यहाँ से एक जंपर किया है, वहाँ पे दिखाइए आप, ऊपर दिखाइए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो तीन नंबर वाली पिन है, ये जो तीन नंबर वाली पिन है, ये जो तीसरी वाली पिन है, हमने यहाँ पे जंपर किया हुआ है, जैसा कि आपको दिख रहा है। एक जंपर आपको यहाँ से लेना है और इसके डायरेक्ट एक कैपेसिटर पे आपको देना है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। तो वो कैपेसिटर मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको लाइट सेक्शन के पास में ही मिलेगा, आपको लाइट सेक्शन के पास ही, आपका लाइट सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे।
तो आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, डायोड है, बूस्ट कॉइल है, तो लाइट सेक्शन है ना हमारा, ये लाइट सेक्शन है हमारा। और यहाँ पे आपको सिंपली ये जो कैपेसिटर दिख रहा है, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन देना चाहूँगा। अब मैं यहाँ पे स्टेमेटिक डायग्राम नहीं खोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टेमेटिक डायग्राम में जिनको पता नहीं है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि वो लाइन कहाँ से आ रही है। बट हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे स्टूडेंट को तो पता है कि हम स्टेमेटिक डायग्राम बहुत ही अच्छी तरीके से चला लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैपेसिटर है ये प्लस फाइव का है। किसका है ये? प्लस फाइव का है। तो इस पर हम एक जम्पर देंगे और फिर रीडिंग चेक करेंगे। तो पहले तो हम इसमें रीडिंग ही चेक कर लेते हैं कि इसमें रीडिंग आ रहा है कि नहीं। तो मैं ये ग्राउंड कर दे रहा हूँ, यहाँ पे मैं रीडिंग देखूंगा। चलिए मैं रीडिंग आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं एक तरफ रीडिंग आ रही है प्रॉपर, और मैं कंटिन्यूटी चेक करूंगा एक बार। कंटिन्यूटी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, तीसरी वाली पिन पे कंटिन्यूटी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। कोई कंटिन्यूटी नहीं आ रही, जो कि ये और सिरा क्या आनी चाहिए, बीप आनी चाहिए। क्या होना चाहिए? तो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मतलब यहाँ से और यहाँ तक क्या हो गई है लाइन हमारी। तो हम इसमें क्या कर देंगे, जम्पर कर देंगे। तो एक सिरा हमने जम्पर का यहाँ पे किया हुआ है और दूसरा सिरा यहाँ पे हम इसको जम्पर करेंगे। तो आपके सामने लाइव भी कर रहे हैं हम, ठीक है। तो आपके सामने हम ये लाइव ही कर रहे हैं वहाँ पे। दिख रहा है सभी को? यस सर। हम वहाँ पे एक जंपर कर देंगे, अच्छा जंपर। पकड़ अच्छे से नहीं बनी है इसके, हाथ इधर उधर हिल रहा है। मैं यहाँ पे आपको सामने लाइव जंपर करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि प्रॉपरली हमारा वहाँ पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लग गया? दिखाई दे रहा है वहाँ पे एक जंपर हमने कर दिया है, जैसा कि हमने वहाँ पे कर दिया है। अब फोन को हम कनेक्टर को लगाता हूँ, और यहाँ पे भी मैं इस कनेक्टर को लगाता हूँ फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब फोन को यहाँ पे आप सेफली तरीके से काम करना है, क्योंकि इसमें वो भी अनदर यहाँ पे आप बहुत सेफ तरीके से लगा देंगे, नहीं तो कहीं से भी ये शॉर्ट होने का चांस होगा। समझ में आ रहा है? कर दिया, एक जंपर यहाँ से उठाया है और यहाँ पे एक जंपर लगा दिया है। और चलिए अब मैं फोन हमने लगा दिया है, ये वही फोन है, कोई भी फेक वीडियो है क्या? नहीं सर। चलिए फोन को हम स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा ये मतलब आ गया, मतलब आपने देखा कि एक जंपर, क्योंकि आज सबको डायरेक्ट सोल्यूशन चाहिए, कोई भी स्टोमेटिक डायग्राम फाइंड नहीं करना चाहता है। तो ये जो हमने फाइंड किया है, ये भी हमने स्टोमेटिक डायग्राम से ही फाइंड किया है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये चीज़ आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, हमारा फ़ोन जो बंद था, एक डेड फ़ोन था, और वो तीसरी वाली लाइन आपको पता होना चाहिए बैटरी कनेक्टर में कौन सी लाइन कहाँ पर आ रही है। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, स्टेमेटिक डायग्राम को पढ़ना होगा, उसको समझना होगा। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली तरीके से हमारा ये 110% हो गया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।